मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इसके व्लॉग्स फॉर माई लाइफ। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि जस्ट आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। तो गाइस, फिलहाल सीन ऐसा है कि हमारे जो बुआ के लड़के हैं वो आए हुए हैं। हाँ, तो गाइस अभी हम जस्ट हमारे बगीचे में जा रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जस्ट मस्ती हो रही है थोड़ी। तो गाइस ये जा रहे थे, ये है मनोज विश्वकर्मा जो कि अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दिए यार आप। मैं बस ये कहूँगा कि मैं दोपाड़े में रहता हूँ और ये मेरे मामा जी के लड़के जो जिनसे हम मिलना है और अभी हम नींबू तोड़ने में व्यस्त है। तो और भी जिनका, हाँ ये कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और काफ़ी काफ़ी इसको फैलाना, बस यही कहूँगा मैं। हाँ तो गाइस ये आप देख सकते हैं और भी ये हमारे मार्शा है गाइस। देखिए इनको नींबू की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, सारे बिल्कुल झोड़ने में लगे हैं नींबू। हाँ अच्छा, फिर से मार्शा आ गए हैं। तो गाइस वो आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अरे अरे यार, थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं गाइस, तो वो होता यही है हमेशा कैमरे के सामने। हाँ तो गाइस ये हमारे सबसे छोटे वाले बुआ के लड़के हैं। हाय। और ये खड़ीहाट में रहते हैं, आपका नाम बता? मैं विशाल विश्वकर्मा, ये हमारे मामा जी के लड़के जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोला है इसके ओलो फार्मिंग लाइफ, इसको सपोर्ट कीजिए थोड़ा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें। हाँ तो गाइस कुछ ऐसा सीन है हमारा, आप देख सकते हैं आज का। हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गाइस अभी फ़िलहाल तो ब्लॉग को आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। तो गाइस देखिए सारा, क्यों एक और कहाँ गए हो? एक और कहाँ गए वो? अरे हाँ संजू भैया, नहीं इनको बुलाओ ना। तो गाइस संजू भैया से भी आपको करवाते हैं मीट, तो चलिए चलते हैं। अरे भैया तोड़ी कह रही हो है तू? जो कि इतने इतने इकट्ठे हो चुके हैं हमारे मनोज जी विश्वकर्मा। हाँ हाँ ठीक है। तो गाइस हमारे हमारे मार साहब गाइस ये कल के आए हुए हैं, तो उनको जल्दी है थोड़ी जाने की, तो निकलना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है, इनको अभी भी नींबू की काफ़ी कमी है। क्यों भाई साहब, आपके यहाँ नींबू नहीं है क्या? पक्का है आप? चलो। अरे वाह, बहुत सारे नींबू हुए। ये नींबू जो हमारे मामा के यहाँ लगे हुए हैं, बहुत हमारे टाइम के लगे, जब हम बचपन में था तब हमारे सामने लगाए थे, आज इतने बड़े बड़े हो गए देखिए। तो गाइस देख सकते हैं आज ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक हो रही है। गाइस हमारे संजू भैया को हमने मीट नहीं करवाया, इधर आइए यार, शर्माइए मत। ये हमारे संजू भैया है, ये इनकी एज और हमारी एज लगभग सेम ही है, हम शुरू से साथ में। गाइस तो ये इंदौर रहते हैं, इंदौर वाली बहुत ही लड़के हैं, सबसे बड़ी वाली भौजी। तो गाइस जो वहाँ पर आप देख सकते होंगे जो मोबाइल में कुछ कर रहे हैं वो हमारे भणेज है, हमारी बड़ी दीदी संजू भैया की बड़ी दीदी सरिता जी के लड़के। तो गाइस वो भी आए हुए थे, तो हमने सोचा सबसे मीटिंग करवाते हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है फिलहाल खेत पे का, देख सकते हैं आप, कुछ और भी व्यूज बताते हैं आप। तो गाइस हमारे मार साहब तो जाने की फिराक में, भैया इतनी जल्दी क्या है? हाँ अरे यार, आप हमारे इसके ब्लॉग्स फार्मिंग लाइफ के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों ये हमारे
मामा जी के लड़के का चैनल है, इसे सब्सक्राइब तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, बाय बाय। हाँ गाड़ी बंद कर लो थोड़ी देर, पेट्रोल उजड़े, जाना है यार थोड़ा सा बाहर है ना। बाय दोस्तों, आप देख सकते हैं एक इंट्रोडक्शन जस्ट रह गया था। तो ये सब तो जाने पहचाने चेहरे हैं क्योंकि मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन करवा दिया। तो गाइस ये हमारा संजू भैया है और ये हमारे भानेज है, हमारी बड़ी दीदी सरिता जी के लड़के। तो आप हमारे दर्शकों से कुछ बोलना चाहेंगे? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और शेयर करें। हाँ तो गाइस ये सरिता जी के लड़के हैं तो और जल्दी से 20 मिलियन कर दे। नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ज्यादा ही चाहिए। सही बात है। तो गाइस देखे हमारा कुछ और व्यूज भी बताऊंगा अभी, तो चले चलते हैं। लोग मैं जिक्र किया था गाइस रोजड़ा का, मतलब नील गाय का। तो गाइस आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा दूर है, मैंने जूमिंग की हुई है। तो ये कुछ हरकत करता है तो देखते हैं। तो गाइस इन्हीं के लिए हमने ये जो घंटी आप साइड में देख रहे हैं, मैंने व्लॉग में बताई थी आपको पहले, इन्हीं के लिए लगवाई थी। तो गाइस वो इसी की वजह से ठहरा है कि घंटी की आवाज़ आ रही है या फिर हम दिख रहे हैं। हाँ तो गाइस देखिए ये इंदौर से आए हुए हैं, इनको काफ़ी इच्छा थी मामा जी घर की। यार भैया ने व्लॉग चालू किया, मैं आया हूँ यहाँ पे साल दो साल के बाद। अरे बहुत बहुत टाइम है न, हमेशा आते रहिएगा इसी तरह। तो गाइस हम अभी जस्ट नीलगाय देखने जा रहे हैं, अगर पास से कुछ अच्छा सा शूट हो सके तो फिलहाल चलते हैं वहाँ पर। हाँ तो गाइस आपको एक चीज़ बतानी है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, कोई से भी स्टेट से, मैं जस्ट एमपी से हूँ। तो गाइस ये हमारा जो भानेज है, इनके जो पापा है हमारे जीजू, वो गणेश शर्मा करके उनका नाम है, बीजेसी कल्चर इंडस्ट्री। हाँ तो उन्होंने एक जस्ट एक मैन्युफैक्चर कंपनी खोली है जींस की पैंट की। हाँ जींस की है। तो गाइस लेग वियर बनाते हैं वो, क्या नाम है, कल्चर इंडस्ट्री, कल्चर कल्चर कंपनी का नाम कल्चर है गाइस। तो कभी आप किसी भी शॉप पर जाओ और वहाँ पर लेग वेयर लेने जाओ जींस वगैरह, तो आप ये पूछ सकते हैं कल्चर इंडस्ट्रीज के पेंट वगैरह। तो ये यहाँ पर है गाइस, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी होती है, मैंने जूमिंग करके बताई है आपको। तो मैं यहाँ पर देखिए ये खजूर पेड़ है, पेड़ के जस्ट पीछे से ले रहा हूँ, तो कुछ ऐसी होती है, ये कभी भागेगी भी सही गाइस। तो गाइस देखिए इनकी दौड़ शुरू। तो ये भाग रहे हैं, कहीं जा रहे हैं गाइस। फाइनली गाइस आज हमने छुप के हमारे दर्शकों को नील गाय के का व्यू दिखाया है। तो गाइस बताइए आपको कि कैसे लगा हमारा एक अनोखा जानवर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुछ ऐसा है सीन, ये हमारी टंटन घंटी कहाँ गई। अरे क्या दिखा दिया, कच्ची घोड़ा क्या होता है दर्शकों को बताइए, कच्ची घोड़ा क्या होता है, इतना ही बताएंगे कुछ ज्यादा नहीं। अरे तुमने वो, तो गाइस देखिए हमारे भाग के लड़के आए हुए, तो काफी फन हो रहा है। तो बीच में नीलगाय भी दिख गई, तो हमने सोचा कि दर्शकों को ये भी बताया जाए। गाइस आप देख सकते हैं मैंने कोई ये लाल वाला सन ग्लासेस पहना हुआ है, किसका है रे ये? हाँ ये हमारे, इनको तो पहचानते हैं, चेहरा जाना पहचाना है। तो गाइस मुझे सारा कुछ लाल ही लाल दिख रहा है, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप भी देखिए कि देखिए सब लाल लाल दिखता है इसमें गाइस।
ये देख सकते हैं, ये सब कुछ, अरे रुको रुको सबको बताने दो, ये ऐसा कुछ दिखता है गाइस इसमें से अंदर से, तो सब कुछ बाकी गाइस देख सकते हैं। अरे यार ये कैसे पहनता है। हाँ तो गाइस बियर्ड के साथ काफी अच्छा लग रहा है चश्मा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसा है सब सेल्फी के लीडर लग रहे हो, अच्छा लगता हो ना। हाँ तो गाइस ऐसी मस्ती हो रही, एक ऊपर चढ़ के बैठा है आप देख सकते हैं, कहाँ है भैया, हाँ ये जस्ट मेरे ऊपर मत कूद जाना। ये ऐसा कुछ सीन है। हमारे भाई लोग आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, संजू भैया बोलिए कुछ लास्ट वर्ड। गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।